टाइगर इतनी भूखा था कि उसने समुद्र में कूद लिया। जैक ने देखा और हंसा, लेकिन बाघ उल्टी तरफ देखकर वाकई में उसकी तरफ तैर गया। जैक का स्माइल धीरे धीरे खत्म हो गया। घबराहट से वो नाव की ओर भाग गया। नाव का किनारा बहुत ऊंचा है, बाघ ऊपर नहीं चढ़ सकता, सिर्फ नाव के चारों ओर ही तैर सकता है। जैक ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई और चिल्लाया, पर बाघ छिपा नहीं, सिर्फ उसे देखता रहा। बाघ को सुझाने का यही सबसे बेस्ट टाइम है, पर जैक कर नहीं पाया। रात के खाने के बाद ठंडे पानी में बाघ थक गया था। जैक ने एक लकड़ी को नीचे फेंक दिया और बाघ उसके साथ नाव में वापस चढ़ गया, राफ्ट पर लौट आया। इस दिन जैक ने एक बड़ी मछली पकड़ी। उसने कुल्हाड़ी निकाली और उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जैक रोया क्योंकि यह उसकी पहली हत्या थी। उसने अपनी सीटी बजाकर बड़ी मछली को बाघ के पास फेंक दी। रात ढलते ही समुद्र में बेशुमार क्रिस्टल क्लियर जेलीफिश नजर आती है, जैसे कि एक जादुई दुनिया में। जैक नशे में था जब अचानक एक विशाल कोमल जहाज पानी से बाहर कूदा और जैक के राफ्ट को उल्टा कर दिया। सारा खाना पीना समुद्र में गिर गया। जैक को बाघ के साथ द्वंद्व युद्ध की तैयारी के लिए नाव पर कूदना पड़ा, लेकिन उसे एक मछली ने नीचे गिरा दिया। उसने मछली पकड़ी और उसे बाघ को फेंक दिया।